नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 रुपए के इनामी गौकश आसिफ व उसका साथी फहीमू पैर में गोली लगने से हुए घायल। इनामी बदमाश गुलावटी के गौकश व वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। गुलावटी कोतवाली पुलिस ने नशीली गोलियां, दो तमंचे व कई कारतूस बाइक गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण किए बरामद। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुई पुलिस से मुठभेड़। पेश है उदित राज न्यूज बुलंदशहर से, मोनू उर्फ जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, देखते रहिए उदित राज न्यूज। गुलावटी पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान उनको एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया चंदपुरा के जंगल में, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग किया। क्रॉस फायरिंग पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें से एक बदमाश आसिफ, जब उनका नाम पूछा गया, पहले एक बदमाश आसिफ था जो सिकंदराबाद और गुलावटी पुलिस से वांछित था गोकसी में, और उसका दूसरा साथी उसका फहीम था, वो भी वांछित था। आसिफ पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस प्रकार से गुलावटी पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और उनको जो है अन्य वैधानिक कार्रवाई के द्वारा की जा रही है। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, देखते रहिए उदित राज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।